तो दोस्तों ये गोल्डन बिछड़ी बर्ड है हमारे पास 2000। गर्मी है शदीद अभी, तो इनमें जो है इक्का दुक्का चूजा जो है ना वो मोर्टेलिटी हो रही है, उसके लिए हम जो मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे वो आपके साथ शेयर करने लगे हैं। पहले मैं आपको फ्लाक की कंडीशन दिखा दूँ। फ्लाक माशाल्लाह बेहतर है, मगर हल्का हल्का सा ना, कोई कोई बर्ड ऐसे है जैसे को ढीला ढीला हो। ठीक है दोस्तों, ये आप देखें वीडियो के अंदर सारे बर्ड मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखने में बिल्कुल हंसे कटे शाश विशाश हैं, मगर इनको फिर भी जो होता है ना, इतने बर्ड जब आप रखेंगे तो इनको जो है ना साथ साथ मेडिसिन लाजमी चलानी पड़ती हैं। आज हम जो मोट मेडिसिन चलाएँगे वो आपके साथ शेयर करेंगे। जो भी मेरे चैनल पे आए काम सीखना चाहता है वो प्रॉपर मेडिसिन हर चीज़ में जो है ना एक एक चीज़ क्लियर कट बताता जाता हूँ, कोई चीज़ मछली नहीं रखता हूँ। ठीक है, गोल्डन मिश्री का काम है मेरा, तो उस हिसाब से जो है ना प्रॉपर काम सिखा रहा हूँ। जो भी सीखना चाहता है आ जाए, ये अभी सुबह 6:30 बजे का टाइम है, तो आप देख लें अभी 6:30 बजे ही जैसे वो ऑन हुआ है 16, तो ये चल गया है पंखा, बर्ड अंदर भी आ गए हैं। इतनी हमारे इलाके के अंदर जो है ना गर्मी, यानी कि भी है गर्मी का दौरानिया है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। तो दोस्तों जो है ना हम आपके साथ सारी बातें शेयर करते रहते हैं, सबसे पहले तो आपने मुझसे पूछते रहते हैं, तो आप यानी कि आज की जो वीडियो होगी ना इसके अंदर कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे पूछ लिया करें कोई भी मसला हो। जो आज के दिन जिस दिन आपने वीडियो देखी है, जिस दिन आप बात करना चाह रहे हैं मुझसे, तो उसी दिन की वीडियो में आप कमेंट में जाएं और मुझसे पूछें कोई भी मसला हो, भाई आपका जवाब देगा इंशाल्लाह। ऐसी बात नहीं होगी, हर बात का जवाब दिया जाएगा, हर बात का मसला आप बयान करेंगे उसमें, यानी कि कमेंट सेक्शन में मैं आपको लिख कर मसला दूँगा। कई बार याद रहती है बात, कई बार नहीं जुबानी, यानी कि फ़ोन पे बताते हैं फिर दोबारा थोड़ी देर बाद व्हाट्सएप पे किसी के आ जाता है, यानी कि या फिर वो कॉल आ जाती है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाएंगे, मैं कमेंट में लिख कर आपको जवाब दूंगा। इस तरह जो लोग फिर देखेंगे कमेंट के अंदर भी ये बीमारी डिस्कस नहीं आया तो उनका भी भला हो जाएगा, क्योंकि हर बंदे को फिर कॉलिंग करनी पड़ेगी, हर दिन बंदे को ना व्हाट्सएप पर नहीं जाना पड़ेगा, वो खुद ही कमेंट से जब खुला करेंगे तो उनको सारी मालूम मिलती जाएगी। अच्छा, तो जाते हैं आज के मसले की तरफ। आज 2 चूज़े जो है ना हमारे मोर्टेलिटी कर गए हैं, ठीक है ना, तो उस हिसाब से हमें हम इनको इनके मेडिसिन डालनी है। आज की मेडिसिन जो है ना वो आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि जब तक हम इनको प्रॉपर तरीके से इनके मेडिसिन नहीं डालेंगे तो उस वक्त तक जो है ना बल्ब जो है वो बेहतर कंडीशन में नहीं रहते हैं, फिर वो इनके बीमारी की तरफ चले जाते हैं, जबकि हमने इनको हमेशा ही तंदुरुस्त रखना होता है। ज़्यादा चूज़ों की तो तादाद है तो हमें ज़्यादा इनके केयर की ज़रूरत है। तो दोस्तों आ जाते हैं आज हम दवाई की तरफ भी, कौन सी हम दवाई इस्तेमाल करेंगे। अच्छा दोस्तों, तो अभी गर्मी हबस और यानी कि भी शदीद गर्मी का मौसम है, उसके लिए जो है ना हम एक तो मेरे पास मोबाइल इतना बड़ा नहीं है, इसके अंदर जो है ना पूरा पूरा लिखा हुआ दिखाई देता है, छोटा सा मेरा मोबाइल है जी, ठीक है ना, कोई महंगे वाला टच मोबाइल है ज़रूर, मगर वो महंगे वाली प्रोडक्ट नहीं है, तो बस सादा सादा सी भाई वीडियो बनाता हूँ, उसमें देखें एडिटिंग वगैरह भी नहीं होती है, सारा चूज़ों का शोर भी आ रहा था, जैसे मैं काम कर रहा था वही हर चीज़ दिखाता रहता हूँ। अच्छा, ये हम ना एनडी के दिनों में इस्तेमाल करते थे दवाई, जब कभी एनडी आ जाए ना तो फिर हम ये वाला सोलूशन इस्तेमाल करें, मगर आज एहतियाती तौर पर इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इतनी सख्त गर्मी यानी कि मौसम शदीद हबस ये वो हर चीज़ यानी कि मौजूद है, इसके लिए हम यानी कि ना ये लासक देंगे लाइजिक, ठीक है जी, 1 किलो की ये पैकिंग होती है, मगर ये देख रहे हैं कि ये छोटा फार्मर अगर लेना चाहे तो ले ले, ना नहीं लेना चाहता तो कोई मसला नहीं, उसके साथ मैं इनके ना और भी सादा सादा सी दवाइयाँ शेयर करता रहता हूँ, वो आपको फिर इनके मसले के हिसाब से मिल जाएगा। अच्छा, एनडी इसके ऊपर मैंने खुद लिखा हुआ है, ये हम ज़्यादातर एनडी के अंदर इस्तेमाल करते हैं, मगर आम रूटीन में भी हम इस्तेमाल करते हैं, ये जो एनडी लिखा नज़र आ रहा है ना ये बिल्कुल एनडी के लिए भी नहीं है, मगर हमारे पास काफ़ी सारी दवाइयाँ होती हैं, तो जैसा कि मैंने बताया हुआ है कि इतना पढ़ा हुआ नहीं हो, तो इसलिए मैं उर्दू में भी यानी कि भी लिख लेता हूँ। तो एनडी अभी है कुछ नहीं है, सांस का कुछ मसला नहीं है, मगर आज जो है ना हम इसको लाइजक का 1 पानी देंगे, क्योंकि अब तक जो है ना तकरीबन महीने से ऊपर का हमारा बर्ड हो गया है, कोई हमने ऐसी मेडिसिन नहीं दी है जो इनको एनडी के बारे में हो, ठीक है ना, तो आज हमने इनको ना एहतियाती तौर पर ये दवाई देनी है लाइसक। इसमें लाइसक में जो है ना लैसोमी है जी, जैसा कि आपको नुस्खे में नज़र आया लैसोमी है, 525 ग्राम है, विटामिन ई है जी, विटामिन ई जो है ना जी इनकी हड्डियां मजबूत करता है, इनमें इनके ना फलने फूलने की मकदार बढ़ाता है, और जो लैसोमी है वो इनके खाने पीने की स्पीड को
तेज़ करता है इनके हाजमे वगैरह, इनके भी इनके जिगर को इनके तकवीत देता है। विटामिन सी जो है ना वो तो आपको पता ही है जी, विटामिन सी माशाल्लाह बहुत अच्छी चीज़ है, गर्मी हबस के अंदर ये हम लाजमी देते हैं विटामिन सी। विटामिन सी के मैंने एक वीडियो डाल रखी है, वो अकेला ही उसमें विटामिन सी है, मगर इसमें जो है ना सारी चीज़ें मिक्स हैं लाजक के अंदर। इसके अलावा सेलिनियम जी है, सेलिनियम इनका स्टेमिना दुरुस्त करता है, इनमें इनके ताकत कुव्वत बर्दाश्त बढ़ाता है, बहुत अच्छी ये मेडिसिन है। सिर्फ हम एक मेडिसिन है इसका पानी देंगे आज का दिन, इसके अलावा नहीं देंगे। अगर एंडी आएगी तो फिर हम लगातार इसका कोर्स कराते हैं 3 से 4 दिन के लिए या 5 दिन के लिए, ठीक है ना। मगर एंडी वाला मसला है नहीं, तो हमने सिर्फ एहतियाती तौर पर पानी देना है। दोस्तों ये चीज़ें जो है ना सारी आपके साथ शेयर करता जा रहा हूँ, क्योंकि अभी सख्त गर्मी है। अच्छा ये पिछले साल की मेरे पास पड़ी थी, 7वां महीना, यानी कि अभी अगले महीने में ये वैसे भी एक्सपायर हो जानी है, तो ये थोड़ी सी पड़ी हुई थी, मैंने कहा इनके इसको चला दूं और ख़त्म कर दूं, ठीक है ना। दोस्तों ये मैंने 2022 के अंदर ली थी, 2022 के अंदर जो ना मैं आपके साथ डिस्कस ही कर दूँ मसला, 2022 था, 2021 में मैंने काम स्टार्ट किया था, तो तकरीबन 2022 के अंदर जो है ना ये मैंने ली थी। उसके अंदर मेरा एक फ्लाग था, इधर ही मैंने पाला हुआ था, ये कमरा आपको दिखा रहा हूँ, इसी कमरे के सामने खड़ा हूँ, ये 2 कमरे हैं आपको आगे पीछे नज़र आ रहे होंगे, ठीक है ना। इसी के अंदर मैं सारे का सारा चूज़ा पालता हूँ दोस्तों, इसी के अंदर मैं सारा चूज़ा पालता हूँ, ठीक है ना। इसी के अंदर यानी कि शुरू में ना 5 से 4 दिन मैं लाजमी ही बर्ड को रखता हूँ, क्योंकि ऊपर जो होता है ना बहुत हीट और गर्मी होती है, इधर फिर भी यानी कि भी नीचे से स्टैंड वाले पंखे वगैरह लगा देते हैं तो हमारा निज़ाम चल जाता है। तो ये यानी कि नुस्खा इधर यानी कि ना फिर, तो दोस्तों यहीं पर मैंने चूज़ा पाला हुआ था इसी कमरे के अंदर, ये देखें 2 कमरे ना, इधर भी होता है चूज़ा और इधर भी होता है, ये हवा का भी इधर प्रॉपर इंतज़ाम है सारा इस तरह देखें, मगर ये खिड़कियाँ जो है ना ऊपर ऊँची हैं थोड़ी सी, ये मसला भी आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। और ये वाला जो दरवाज़ा ना जाली वाला, ये फुल ज़मीन तक लगा हुआ है, और सुन ये वाली खिड़की भी ज़मीन तक होनी चाहिए थी, और ये वाली खिड़की इसको भी ज़मीन तक होना चाहिए, ज़मीन से सिर्फ 1/2 फुट यानी कि ऊँची होनी चाहिए थी। मगर इधर जब यानी कि शदीद गर्मी और सर्दियों में तो ये हम चूज़ा पालते हैं तो बहुत ही यानी कि अच्छा सेटअप है। ये वाली खिड़की को देखें, अभी ये वाली जो है नहीं अभी मैंने खोली भी है बैर को, क्योंकि अभी चूज़ा नहीं है, तो ये यहाँ पर जो है ना यानी कि ये ज़मीन के बराबर है। अब मैं एक कूलर इधर चलाता हूँ, एक कूलर इधर चलाता हूँ, इस कोने के अंदर स्टैंड वाला पखरा रखता हूँ वो चलाता हूँ, दूसरे कमरे में भी इसी तरह उस कोने में अब प्रॉपर स्टैंड वाला पखा चलाता हूँ। ये आपको बताने का मकसद ये था कि इस तरह का अगर किसी के पास माहौल हो तो आपने यहाँ से पखा चलाना है, इधर से ऐसे इधर को मुंह करके चलाना है, कोने में जो है ना हबस जमा हो जाती है, फिर जब कोने में हवा जाएगी ना तो फिर हवा इधर उधर उधर से कर देगी, इसी तरह ही ये कोना बनता है, ये कोना जो होता है ना ये बंद हो जाता है। तो इधर यानी कि बताने का मकसद ये है कि यहाँ पे जब मैंने चूज़ा पाला तो उस वक्त मुझे भी इतना काम का नहीं पता था, तो यहाँ पर फिर उनको ना एनडी का मसला होना शुरू हुआ, एनडी का मसला इस तरह शुरू हुआ कि पहले उनको सांस का मसला शुरू हुआ, सांस कंट्रोल बहुत सारी दवाइयाँ थी नहीं कंट्रोल हुआ, गर्मी भी शदीद थी यानी कि मौसम भी शदीद था, यही तकरीबन जून का महीना था, पिछला महीना जो था यानी कि उसमें, तो उसमें हमने प्रॉपर यानी कि ना बहुत कुछ करने की कोशिश की। यहाँ पर हमने एक कूलर लगाया हुआ था, इधर बहर भी एक कूलर लगाया हुआ था, देखे 2 कूलर चलते थे, तो फिर भी यानी कि एंडी आई, यानी कि एंडी मेरा पूरे का पूरा फ्लाग था, 2100 मेरे पास चूज़ा था, उसको उसने इतना नुकसान पहुँचाया कि 1600 बर्ड जो है ना वो मोर्टैलिटी कर गया, बकाया बचा यानी कि 500-600। फिर हमने इनके बहुत सारी दवाइयाँ इस्तेमाल की, काफ़ी नुकसान मुझे आया, फिर अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि तकरीबन मेरा नुकसान होना था तकरीबन 3-3.5 लाख का। फिर एक डॉक्टर साहब मिले, वो भी बड़े खुदातर से डॉक्टर थे, फ़ोन पर उनसे रابطہ हुआ, जैसे मैं फ़ोन पर सारी लोगों को मालूमात मुहैया कर रहा हूँ, वो रहीम यार खां के थे। मैं चूज़ा इधर से जो मरे हुए थे ना वो लेके गया थे, चूज़ा मैं एक और जगह भी लेके गया था, मुझे शहर का नाम भूल गया है, ठीक है जी। तो दोस्त आरफ वाला बहुत बड़े डॉक्टर बैठते हैं, क्योंकि ज़्यादातर गोल्डन मिश्री का काम वहीं शुरू होता है, तो वहाँ पर यानी कि उन्होंने चूज़ा देखा, फिर मुझे यानी कि एक डॉक्टर साहब का रिमेर खान का नंबर, फिर उन्होंने नुस्खा यानी कि दिया। मैं आगे जब एंटी का कोई मसला होगा, किसी भी दोस्त को मसला होगा तो मैं उसको वो नुस्खा ज़रूर शेयर कर दूँगा, ठीक है ना। एंटी बहुत गंदी बीमारी है, फिर जो मेरे पास 400-500 चूज़ा बचा था ना, फिर उसमें यानी कि वो काफ़ी सारा उसने वज़न ग्रोथ की, तो फिर उसमें मुझे नुकसान 1.5 लाख का फिर भी आ गया था, बकाया जो चूज़ा मेरा बचा था तकरीबन 1.25 लाख का वो बिक गया था, इतना उसने वज़न किया। तो ये हमने उसमें भी एक पानी इसका इस्तेमाल किया था, तो ये एहतियाती तौर पर इस्तेमाल करते आ रहे हैं हम, ठीक है दोस्तों। ये अच्छी चीज़ है, अब हम इसको ना एनडी के अंदर नहीं देते हैं, मगर एनडी के तौर पर इसको इस्तेमाल करते हैं। शुरू में ही एहतियात है, जब महसूस होता है कि चूज़ा डिहाइड्रेशन की तरफ जा रहा है तो, या कोई कोई मोर्टैलिटी शुरू होती है, 1-2 पानी हम लाजमी चलाते रहते हैं, हर फ्लाग के अंदर 1 पानी चलाएं 2 चलाएं, तो ये आपके साथ यानी कि भी शेयर करते जा रहे हैं, जैसा कि अब नुस्खा बता दिया गया है। तो दोस्तों आपने भी यानी कि भी इसी तरह चलना है, दुआओं में हमें याद रखिएगा, मैं आपके साथ इंशाल्लाह लगा रहूँगा, आपका भाई जो है ना आपके काम आएगा, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़ जी, अल्लाह ताला आपका और हमारा।
निगहबान हो जी।